Hello students, my name is Karanveer Saharan and today I came up with another video on nanotechnology part 3 from the subject geoinformatics and nanotechnology for precision farming. As this video is the last video of the subject, par phir bhi agar koi bhi ya kisi bhi type ka koi bhi doubt reh gaya ho to comment section mein bata dena, that is always open for you and you can also on WhatsApp also. My number is in the beginning and in the end also. अब तक हमने यह जाना है कि नैनो मटेरियल जो एक मीटर के एक अरबवें हिस्से के बराबर या 10 की पावर माइनस 9 के बराबर के कण होते हैं, which means 10 raised to the power minus 9 और 1 billionth part of a meter. नैनो पार्टिकल का सरफेस एरिया और वॉल्यूम अनुपात बहुत ज्यादा अधिक होता है, इसी कारण उनमें असाधारण और यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं जिससे हम उनके प्रयोग की नई सीमाओं के बारे में अध्ययन कर सकते हैं. नैनो पार्टिकल्स हैव ए हाई पोटेंशियल एंड आर हाईली एप्लीकेबल इन द एग्रीकल्चर सिस्टम. एग्रीकल्चर की बात करें तो नैनो पार्टिकल्स का काम हम यह कह सकते हैं कि अभी तक हमने नैनो पार्टिकल्स को पौधों में होने वाले नुकसान जैसे कि बीमारियों, कीटों से, बैक्टीरिया से, वायरस से और फंगस आदि से कंट्रोल करने में इस्तेमाल किया है. इसके अलावा पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, न्यूट्रिएंट्स, जेनेटिक मटेरियल आदि के छिड़काव या एक सिस्टमेटिक कंट्रोल्ड डिलीवरी सिस्टम जिसे हम प्रॉपर तरीके से इन सब का छिड़काव कर सकते हैं जो पौधे के लिए पूरी तरीके से अनुकूल हो और पर्यावरण को भी नुकसान न पहुंचाए. इसके साथ ही किसान की भी आर्थिक दशा में सुधार लेके है, विच मीन्स देर शुड बी एन इंक्रीमेंट इन द पोटेंशियल ऑफ द केमिकल्स वी आर यूजिंग इन द फील्ड एंड देर शुड बी लेस हार्मफुल टू द एनवायरमेंट एज वेल एज मोर ओवर वी आर कंसर्निंग फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द फार्मर बाय मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ द एप्लीकेशन और इन एनी अदर वे. इसके अलावा नैनो टेक्नोलॉजी का यूज पोल्यूटेंट्स को पता लगाने के लिए और सोइल स्ट्रक्चर्स में सुधार लाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है, जिन्हें नैनो आर्किटेक्ट भी कहते हैं हम. तो अब हमारा टॉपिक है जो नैनो फर्टिलाइजर, तो शुरू करते हैं अपने. सबसे बड़ा फायदा क्या है नैनो फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करने का, अगर इस बारे में हम बात करें तो ये कुछ पॉइंट्स निकल कर आते हैं. आपका जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि जो न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी होती है, ठीक है, पौधे की, वो किस तरह से 3 गुना तक बढ़ जाती है, जिसका मतलब है कि न्यूट्रिएंट्स उस पौधे को जो दिया जा रहा है उसका लगभग 3 गुना कम मात्रा में अब देना होगा और रिजल्ट वही सेम टू सेम आएगा. सेकेंडली केमिकल फर्टिलाइजर की बात करें तो 80 से 100 गुना तक कम केमिकल पौधे को देना होगा. दोनों ही पॉइंट्स में कंफ्यूज मत होना. पहले पॉइंट में हम न्यूट्रिएंट की बात कर रहे हैं. न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम आदि. और दूसरे में केमिकल की मात्रा की बात कर रहे हैं जैसे कि यूरिया, डीएपी, एमओपी एटसेट्रा. थर्ड पॉइंट, इनके इस्तेमाल से पौधे की तनाव सहनशीलता 10 गुना तक बढ़ जाती है, विच मीन्स क्रॉप्स आर 10 times मोर स्ट्रेस टॉलरेंट देन बिफोर. नेक्स्ट पॉइंट, लाइक नैनो फर्टिलाइजर्स पूरी तरह से इको फ्रेंडली या कंप्लीट बायोसोर्स होते हैं. बायोसोर्स का मतलब हुआ सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हम एक बार में दे सकते हैं. इट्स लाइक जैसे इंसानों में मां का दूध या गाय के दूध को कंप्लीट फूड माना जाता है जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व होते हैं इस तरीके से. देन पौधे की भी न्यूट्रिएंट्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने या न्यूट्रिएंट्स के मोबिलाइजेशन और मेटाबॉलिज्म में भी सुधार होता है. सिक्स पॉइंट, फसल की उपज में भी वृद्धि देखी गई है जो 17 से 54% तक दर्ज की गई है, 17 to 54. और इनके सबके साथ ही मिट्टी की बनावट में भी एक सुधार आता है, उसकी पानी को सोखने की क्षमता, कार्बन बिल्डअप बढ़ जाता है और मिट्टी की दशा में सुधार आता है. इसके साथ ही साथ नैनो फर्टिलाइजर्स को या नैनो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में जब से लाया गया है तब से यह सोच थी कि स्लो एंड कंट्रोल्ड रिलीज केमिकल्स बनाए जाएं जो आगे चल के पर्यावरण को भी सुरक्षित रखे और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ प्रमोट करें.
इन्हें स्मार्ट फर्टिलाइजर भी कहा जाता है। और एक चीज और, इन नैनो फर्टिलाइजर्स को इस्तेमाल करने के लिए नैनोपोरस जियोलाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है। जियोलाइट्स या फिर नैनो क्ले, क्ले जिसे हम चिकनी मिट्टी बोलते हैं, यह सब प्राकृतिक मिनरल्स होते हैं जो मधुमक्खी के छत्ते के आकार हनीकॉम स्ट्रक्चर में तरह होते हैं। इनमें नैनो मटेरियल को इस्तेमाल करने या उसका वॉल्यूम बढ़ाने के लिए और उसकी दक्षता को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। यह क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है और इन्हें क्रिस्टल्स के बीच में ही नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम, कोई भी केमिकल, एक कंप्लीट सेट ऑफ न्यूट्रिएंट्स और पौधे को देने के लिए जो भी हम दे सकते हैं उसके साथ मिला दिया जाता है। जैसे कि आपका अमोनियम चार्ज जियोलाइट्स होते हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है फॉस्फेटिक मिनरल्स के लिए जो फॉस्फोरस की सोल्युबिलिटी को इंक्रीज करता है, ठीक है। और ग्राफीन ऑक्साइड फिल्म्स का इस्तेमाल भी किया जाता है, ये कार्बन बेस्ड नैनो मटेरियल होता है ग्राफीन। इन्हें पोटेशियम नाइट्रेट की कंट्रोल रिलीज और पोटेशियम के अब्सॉर्प्शन की समय अवधि को बढ़ाने के लिए, ताकि वो लंबे समय तक धीरे धीरे पौधे को मिलते रहें, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब जियोलाइट्स का एक फायदा यह भी होता है कि ये इन केमिकल्स को पर्यावरण में या लीचिंग के द्वारा नुकसान नहीं होने देता है। नैनो कैल्साइट होता है, जैसे कि नैनो सिलिकेट, मैग्नीशियम और फेरिक ऑक्साइड, इन सब से मिलकर बनाया जाता है, ठीक है। और यह न केवल कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन को सोखने में मदद करता है पौधे की, बल्कि फॉस्फोरस, जिंक और मैग्नीज के अलावा इन पौधे के दूसरे पोषक तत्वों को भी ग्रहण करने में आसानी प्रोवाइड करता है। अपटेक मैकेनिज्म या फिर अपटेक ट्रांसलोकेशन, जिसे हम पौधे के न्यूट्रिएंट्स को ग्रहण करने का सिद्धांत या फिर प्रिंसिपल कह सकते हैं, कि किस तरीके से पौधा इन नैनो मटेरियल्स को ग्रहण करता है, सोखता है। एक्चुअली द बेसिक प्रिंसिपल फॉर द एंट्री ऑफ नैनो पार्टिकल्स थ्रू द सेल वॉल्स, इट डिपेंड्स ऑन द कोर डायमीटर ऑफ द सेल वॉल। सो नैनो पार्टिकल्स और नैनो पार्टिकल एग्रीगेट्स विद डायमीटर लेस देन द पोर साइज ऑफ द प्लांट सेल, they could easily enter through the cell wall and reach up to the plasma membrane। जो आपके नैनो पार्टिकल्स हो गए या फिर जो इनके साइज का, जो इनके साइज होता है सेल वॉल का साइज होता है, उससे छोटे होते हैं। और जब हम फोलियर एप्लीकेशन द्वारा या छिड़काव विधि द्वारा स्प्रे करते हैं, तब ये पार्टिकल्स पौधे या इसके अंदर चले जाते हैं, पौधे के अंदर चले जाते हैं। ये सारा का सारा खेल साइज का है, यह सेल वॉल या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आसानी से चले जाते हैं। दूसरा मेथड होता है जड़ों द्वारा, जिसमें नैनो पार्टिकल्स को किसी तरह का कॉम्प्लेक्स बनाकर मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर्स के साथ में पौधे के अंदर भेज दिया जाता है। एंड दिस इज हाउ एवरीथिंग वर्क्स। एंड देयर आफ्टर वी हैव अ टॉपिक विच इज एडवांटेजेस रिलेटेड टू ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्मुलेशंस ऑफ द कन्वेंशनल फर्टिलाइजर्स यूजिंग नैनो टेक्नोलॉजी, इन विच वी आर टॉकिंग अबाउट some desirable properties of nanomaterials regarding to their controlled release formulation, their solubility, their dispersion of the mineral micronutrients. We will talk about the nutrient take efficiency and controlled release modes, and we shall also talk about effectiveness and rate of loss of fertilizers with comparison to the conventional fertilizer. In this thing, I will provide you the PDF format. ये सारा का सारा मैं आपको PDF format में दे दूंगा, ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना बने और बोरिंग ना हो जाए। इसके बाद में बात करते हैं नैनो सेंसर्स और नैनो बायो सेंसर्स के बारे में। एक सेंसर्स की बात, एक लाइक सेंसर क्या होता है, ये मैं अपनी पुरानी वीडियोज में भी बता चुका हूँ। गो एंड चेक माई वीडियोज ऑन रिमोट सेंसिंग। यहां पर नैनो सेंसर के बारे में हम बात करते हैं, तो नैनो सेंसर्स, वी कैन से दैट दीज आर बायोलॉजिकल, केमिकल और सर्जिकल सेंसरी पॉइंट्स यूज्ड टू कन्वे इंफॉर्मेशन अबाउट नैनो पार्टिकल्स टू द मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। इसका मतलब हुआ कि नैनो सेंसर किसी भी जैविक, रासायनिक या सर्जिकल संवेदी बिंदु को कहा जा सकता है, जिसका उपयोग नैनो कणों के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करना और उसे हमारे समझने लायक भाषा में, सिंबल में, चिन्ह में, फोटोग्राफ, डायग्राम, नंबर आदि किसी भी प्रकार से हमारे समझने लायक इंफॉर्मेशन बना सके।
ये काम कैसे करते हैं ये समझ लेते हैं अपने। अब नैनो सेंसर्स किसी भी रूप में सुविधा अनुसार या फिर साधन के अनुसार इस्तेमाल किया जाता है, और चाहे नैनो ट्यूब हो या फिर नैनो वायर हो या फिर किसी भी रूप में हो सकता है। इसका काम पौधे में इंजरी का पता लगाना, इन्फेक्शन का पता लगाना और डैमेज कितना हुआ उसका पता लगाना, पौधे में किस प्रकार का स्ट्रेस है और किस न्यूट्रिएंट की कमी है उसका पता लगाना भी शामिल होता है। इन सेंसर्स के पौधों की जड़ों में, पत्तियों में, किसी भी अन्य भाग में लगाया जा सकता है जिससे हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। इसकी कार्य प्रणाली हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 की मात्रा पर निर्भर करती है। पौधे में हाइड्रोजन परऑक्साइड का इस्तेमाल आपस में तालमेल के लिए किया जाता है, जिसे वो एक पत्ती से दूसरी पत्ती या एक भाग से दूसरे भाग में सिग्नल्स को भेज सके। यह सिग्नल इसलिए भेजे जाते हैं ताकि पौधे के अंदर आए किसी भी बदलाव को या इंजरी को या ठीक किया जा सके, या फिर एक मैसेज दिया जा सके, किसी भी कीट या बीमारी को दूर किया जा सके। अब नैनो सेंसर्स का कार्य होता है कि वह इन हाइड्रो परऑक्साइड की मात्रा को पहचाने और अंदाजा लगाए कि यह सिग्नल किस काम के लिए भेजा गया है। इसका फायदा भी हम पौधे या फिर हम पौधे के प्रकार एक टाइप का कम्युनिकेशन करते हैं पौधे के साथ में, ठीक है। एक आर्टिकल था 15 अप्रैल 2020 को, जिसके अंदर दिखाया गया था कि साइंटिस्ट अभी तक कुछ ही पौधों की प्रजातियों के सिग्नल सिस्टम्स का पता लगा चुके हैं, क्योंकि यह स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है, अलग करता है, ठीक है। और देखते हैं भविष्य आने वाले टाइम में क्या होता है। आई टोल्ड यू देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप इन दिस सब्जेक्ट। नाउ नैनो बायोसेंसर्स, according to the books, okay, nanobiosensors is a modified version of biosensors which may be defined as compact analytical device or unit incorporating a biological or biologically derived sensitized element linked to a physiochemical transducer. nahi samajh aaya? okay, in an easy language we can say that biosensors are analytical devices which measure the concentration of an analyte. These are made up of biological materials like any kind of enzyme, antibody, whole cell, nucleic acid, etc. I mean, this interaction produces a physical or chemical change which is detected by the transducer and converted to an electrical signal. Like biosensors, विश्लेषणात्मक उपकरण होते हैं जो विश्लेषण की एकाग्रता को मापते हैं। ये किसी भी तरह के एंजाइम, एंटीबॉडी, कोई भी आपका न्यूक्लिक सेल हो गया, ठीक है, इन पदार्थों से आने वाले सिग्नल्स को पकड़ते हैं और इनको इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, एक विद्युत संकेत में परिवर्तित करने के बाद में ये ट्रांसड्यूसर को अपना ट्रांसड्यूसर होता है वो इसको एनालाइज कर लेता है। इसके बाद में दिस सिग्नल इज इंटरप्रेटेड एंड कन्वर्टेड टू एनालाइज कंसंट्रेशन प्रेजेंट इन द सैंपल। विद्युत संकेतों में परिवर्तन किए जाने के बाद इन संकेतों को समझने लायक भाषा में बदल दिया जाता है और उस पर अध्ययन किया जाता है कि क्या हो क्या रहा एक्चुअली वहां पे। अभी भी नहीं समझ आया, खैर कोई बात नहीं। ओके, सबसे पहले इस डायग्राम को देखो आप, इसमें एनालाइट है, ठीक है, वह चीज है जिसे हम किसी भी द्रव या फिर पौधे या फिर किसी भी चीज में हम उसे मापना चाहते हैं, जैसे जिंक कितना है या हम पूरे सेल के अंदर जिंक वाले कणों को एनालाइट मान लेते हैं। यह सब डिपेंड करता है आपकी मशीनरी पर या फिर जांच किए जाने वाले उपकरणों पर। उसके बाद में आपके बायोलॉजिकल कंपोनेंट दिखाई दे रहा है, वह ऐसा है कि मैंने बताया था कि एक प्रकार का एंजाइम, एंटीबॉडी या कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उससे एनालाइट के प्रति किसी भी प्रकार का रिएक्शन दिखाएगा। ये रिएक्शन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को मापता है और यह ट्रांसड्यूसर पर अपना प्रभाव छोड़ता है। इसके बाद इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एम्पलीफायर के द्वारा प्रोसेसिंग यूनिट में भेज दिया जाता है और प्रोसेस करने के बाद उसे डिस्प्ले कर दिया जाता है, ठीक है। यह एक आसान भाषा में है कि कैसे एक बायोसेंसर या फिर नोबल सेंसर का काम करता है। इसके बाद बात करते हैं रोल ऑफ नैनो बायोसेंसर्स इन एग्रीकल्चर। फर्स्ट पॉइंट, इट शुड बी ए डायग्नोस्टिक टूल फॉर द सोइल क्वालिटी एंड डिजीज असेसमेंट, यानी कि मृदा की गुणवत्ता और रोग मूल्यांकन के लिए एक बेहतरीन उपकरण साबित हो सकता है ये नैनो बायोसेंसर।
सेकेंडली इसके उपयोग के कारण हम केमिकल्स का कम से कम उपयोग कर पाएंगे, जिससे हमें स्थायी कृषि या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ ज्यादा रुझान होगा। पौधे को न्यूट्रिएंट्स उतनी ही मात्रा में दिए जाएंगे कि जितना उसे जरूरत हो, या किसी डिमांड होगी जैसे उसकी, उस हिसाब से उसे दे दिया जाएगा, जिससे प्रकृति को कम से कम नुकसान हो सके। थर्ड पॉइंट, इनका उपयोग दूषित पदार्थों और अन्य कीटाणुओं का पता लगाने के लिए, टू डिटेक्ट कॉन्टामिनेंट्स एंड अदर मॉलिक्यूल्स, सो दैट वी कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली इन एडवांस, हम पहले ही प्रिपेयर हो जाएं उस स्थिति के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज, वी कैन यूज इट फॉर द इफेक्टिव टूल एज डिटेक्शन ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स विद द हेल्प ऑफ नैनो वायर्स। डीएनए और प्रोटीन के प्रभावी जांच के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे किसी भी प्रकार की बीमारी का पहले से ही पता लगाया जा सकता है और नस्ल में सुधार के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड नाउ आवर लास्ट टॉपिक, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग नैनो टेक्नोलॉजी, दैट इज व्हाट इज द यूज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर और व्हाट नैनो टेक्नोलॉजी कैन डू फॉर एग्रीकल्चर। आई गेस दिस वन इज शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन विच कुड अपियर इन द एग्जाम्स, सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट कि नैनो टेक्नोलॉजी का खेती में किस प्रकार से इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर नैनो टेक्नोलॉजी खेती के लिए क्या क्या कर सकती है। कृषि की बात करें तो नैनो टेक्नोलॉजी के कुछ संभावित अनुपयोग इस प्रकार से हैं, जैसे नैनो कीटनाशकों का, उर्वरकों का उपयोग हो गया, ये उत्पादकता बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी यूजिंग नैनो पेस्टिसाइड्स एंड नैनो फर्टिलाइजर्स, ठीक है। इट कैन ऑल्सो इम्प्रूव द सोइल क्वालिटी बाई यूजिंग हाइड्रोजेल्स एंड नैनो जियोलाइट्स, ठीक है, मिट्टी के गुणवत्ता में भी सुधार करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। और लाइक हमने पहले भी डिस्कस किया था कि क्रॉप ग्रोथ में भी नैनो मटेरियल्स या फिर स्टिमुलेंट्स को यूज किया जाता है, ठीक है। और सबसे जरूरी चीज, वायरलेस संचार द्वारा एक स्मार्ट तरीके से फसल की निगरानी रखी जा सकती है, और समय से पहले या जरूरत होते ही पौधे की आवश्यकताओं के अनुसार उसे सामग्री दी जा सकती है। आई एम टॉकिंग अबाउट स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम विच इम्फेसिस ऑन द यूज ऑफ नैनो सेंसर्स एंड वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। दिस साउंड सो ब्रिलियंट। इसके अलावा नैनो टेक्नोलॉजी का टिलेज में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है, क्योंकि यह मिट्टी को अधिक भुरभुरा और खेती के लिए और अच्छा बना देता है। इसके अलावा नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सीड टेक्नोलॉजी या फिर बीज विज्ञान में भी किया जाता है, उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए, या फिर उसकी पूरी जितनी कैपेसिटी उसका दोहन किया जा सके। इसका इस्तेमाल बीजों में कॉन्टामिनेशन और अशुद्धता का पता लगाने के लिए, उनकी जेनेटिक प्योरिटी का पता लगाने के लिए, और उनमें छिपी बीमारियों को खत्म करने के लिए भी किया जाता है। खेती में वाटर यूज की बात करें तो नैनो टेक्नोलॉजी या फिर नैनो फिल्ट्रेशन की मदद से पानी को और पौधों के और अधिक उसको मतलब पौधों के लिए उपयोग में बनाया जा सकता है। इम्प्योरिटीज को हटाकर, उसकी कठोरता को कम करके, उसमें टॉक्सिक मटेरियल्स को बिल्कुल तरीके से हटा दिया, पैथोजेंस को, बीमारियों को नष्ट कर दिया। फिर नैनो फाइबर्स एंड एल्मिना फिल्टर्स एंड अदर नैनो फाइबर मटेरियल्स, दे रिमूव द नेगेटिवली चार्ज्ड कॉन्टेमिनेंट्स सच एज वायरस, बैक्टीरिया, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कोलॉइड्स एट ए फास्टर रेट देन द कन्वेंशनल फिल्टर्स। जो आप नॉर्मल फिल्टर्स होते हैं उनसे बेटर ये कर सकते हैं। इन सब के अलावा नैनो टेक्नोलॉजी का फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स में भी उपयोग हम देख ही चुके हैं, और इसके साथ ही नैनो टेक्नोलॉजी को पौधे की सुरक्षा के लिए भी काफी महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। ये सारे पॉइंट वाइज हैं, आप देख लेना। और लाइक खरपतवार नियंत्रण में, खरपतवारों को खत्म करने के लिए मिट्टी को लाइक हम हर्बिसाइड से कम स्ट्रेस दे सके पौधे को, मिट्टी को, दोनों ही चीजों को, इन केमिकल्स के द्वारा होने वाले दुष्प्रभावों को काफी कम कर सकते हैं या फिर बिल्कुल ही कम किया जा सकता है। इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट के कंसेप्ट को भी है अच्छी तरीके से फॉलो करता है, और एक ही बार में अनेक प्रजातियों के खरपतवारों को नष्ट करने की अनुमति भी देता है, ठीक है। लाइक वर्षा वाले क्षेत्रों में क्या होता है कि
आप दवाई छिड़कते हो और बारिश आ जाती है, इसकी वजह से उसका प्रभाव शून्य हो जाता है हर्बिसाइड जो आपने केमिकल छिड़का है। सेम इसी तरीके से रेनफेड एरियाज में वो जो आपका हर्बिसाइड है वो सारा का सारा भाफ बन के उड़ जाता है, क्योंकि वहां पे गर्मी अधिक हो जाती है। ठीक है, तो इसी वजह से स्लो रिलीज मैकेनिज्म वाले हर्बिसाइड्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि पर्यावरण को भी और अच्छे से सुधार किया जा सके। सो लाइक ये बहुत शॉर्ट फॉर्म में था कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ और व्हाट नैनो टेक्नोलॉजी कैन डू फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, बाकी इन डिटेल में है दिस क्वेश्चन, इट वुड बी लाइक 15 नंबर का क्वेश्चन आराम से आ सकता है, तो प्रिपेयर इट अकॉर्डिंगली। आई विल प्रोवाइड एवरीथिंग इन द पीडीएफ और इन माई नोट्स। ओके, आई होप यू गेट एवरीथिंग फ्रॉम दिस टॉपिक ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी एंड इवेंचुअली इट वॉज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस कोर्स। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू वॉन्ट नोट्स पीडीएफ ऑफ दिस सब्जेक्ट। ओके, एंड अंटिल देन यू जस्ट कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग एंड बी ब्लेस्ड।